Hello students, welcome back to my channel Harshita Education. So today we are going to start our unit 8. In that we'll do the poem A Little Turtle from class 1 English Merry Good book. So let's start. Say the poem aloud with actions. तो हम ये जो poem करेंगे ये हम जोर से बोलेंगे और actions के साथ करेंगे. तो actions आपको साथ साथ में करते जाना है. Okay? I am a little turtle. I crawl so slow. I carry my house wherever I go. When I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed. So here, this little turtle, ये जो little turtle है, turtle का मतलब छोटा सा tortoise. ये क्या बोल रहा है? That I am a little turtle, यानी मैं एक छोटा सा turtle हूँ. I crawl so slow. Crawl का मतलब धीरे धीरे चलना. वो बोल रहा है मैं बहुत ही धीरे धीरे crawl करता हूँ, चलता हूँ. I carry my house. I carry my house मतलब मैं अपना घर जो है उसे अपने साथ लेके चलता हूँ. House means घर. Carry means उसको साथ में लेके चल रहा हूँ मैं. Wherever I go यानी जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं अपना घर अपने साथ लेके जाता हूँ. When I get tired, when मतलब जब मैं tired हो जाता हूँ. Tired means थक जाता हूँ. I put in my head, my legs and my tail. तो मैं अपना सर, मैं अपने पाँव और मैं अपनी छोटी सी पूँछ जो है उसको अंदर कर लेता हूँ अपने घर के. And I go to bed और मैं अपने बिस्तर में सोने ही चले जाता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि वो किस तरह से अपने आप सर को, अपने हाथों को, अपनी छोटी सी पूँछ को अंदर कर रहा है अपने घर के और बेड में सोने जा रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स. सी ए डबल आर वाई कैरी. कैरी मतलब किसी चीज़ को उठाना. जैसे यहाँ पे जो टर्टल है ये अपनी घर को अपने बैक पे उठा रहा है. क्रॉल, C-R-A-W-L, क्रॉल. क्रॉल मतलब घिस घिस कर चलना. जिस तरह से एक छोटा सा बेबी होता है जब वो चलना नहीं सीखता तो कैसे क्रॉल करता है, उसे हम क्रॉल कहते हैं. नेक्स्ट इज T-I-R-E-D, टायर्ड. टायर्ड मीन्स थकना. जब आप काम करके थक जाते हो सो दैट इज कॉल्ड टायर्ड. नेक्स्ट इज T-U-R-T-L-E, टर्टल. टर्टल मीन्स यहाँ पे हमको ये टर्टल्स बताया गया है. ओके, नाउ लेट्स रीड. अ बेबी क्रॉल्स यानी एक छोटा जो बेबी होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्रॉल करता है. क्रॉल कैसे करता है, अपने हाथ और घुटनों के बल वो क्रॉल करना सीखता है ना. नेक्स्ट इज अ टर्टल हैज अ शेल. और टर्टल हैज़ अ शेल. टर्टल के पास क्या होता है, शेल. यहाँ जो हाउस हम देख रहे हैं ना टर्टल का, उसको हम शेल बोलते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. रीडिंग इज फन. हाउ डज अ टर्टल वॉक. टर्टल किस तरह से वॉक करता है. सो अ टर्टल क्रॉल्स वेरी स्लोली. अ टर्टल्स क्रॉल्स. ओके, सो दिस इज द आंसर. What does the turtle carry on its back? Turtle अपने back पे क्या carry करता है? So the answer is the turtle carry his house on its back. Okay? Next one. Where does the turtle go when it is tired? जब turtle थक जाता है, tired हो जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है? So the turtle goes inside the house when he is tired. Okay, now let's talk. What is the turtle's house called? Turtle ke house ko hum kya bolte hain? So turtle house is called a shell. Uske house ko hum shell bolte hain. Okay, next is what other reasons can you give for a turtle going into its house? एक तो हमने पोयम में देखा कि जब टर्टल जो है वो थक जाता है तब वो अपने घर के अंदर जाता है. और दूसरे रीजंस कौन से होते हैं जब वो अपने घर में जाता है. सो अगर आप किसी टर्टल को टच करो, अगर गलती से कोई सामने आ जाए तो वो डर के मारे अपने घर के अंदर चला जाता है. ओके, नाउ लेट्स मूव.
से अलाउड, यहाँ पे आपको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना है। फर्स्ट इज सी आई आर सी एल ई सर्कल, पी यू आर पी एल ई पर्पल, नेक्स्ट इज टी यू आर टी एल ई टर्टल, सर्कल पर्पल टर्टल। तो पीछे आप देखो सब में ल साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना। नेक्स्ट इज एफ आई आर ई फायर, एल आई ए आर लायर, टी आई आर ई डी टायर्ड। सो इसमें हमको पीछे क्या साउंड सुनाई दे रहा है, देखो फायर में अ, लायर में र, लायर एंड टायर्ड अ है ना। नेक्स्ट इज सी ए टी कैट, सी ओ टी कॉट, सी यू पी कप। नेक्स्ट इज के आई सी के किक, के आई एन जी किंग, के आई टी किट। नाउ लास्ट वन क्यू यू ए सी के क्वैक, क्यू यू डबल ई एन क्वीन, क्यू यू आई सी के क्विक। ओके नाउ लेट्स शेयर। इमेजिन यू आर अ टर्टल, इमेजिन करो कि आप एक टर्टल हो। क्रॉल लाइक अ टर्टल, तो आपको एक टर्टल के जैसे क्रॉल करना है। ओके नाउ यू आर टायर्ड, सो गेट इन टू योर शेल एंड गो टू स्लीप। तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को टर्टल और आप क्रॉल करते करते थक जा रहे हो, तो आपको अपने शेल के अंदर जाके सो जाना है। वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रॉल अगेन, वापस से आपको वेकअप होना है यानी जागना है और वापस से आपको क्रॉल करना शुरू करना है। नाउ हाइड इन योर शेल बिकॉज सम नॉटी चिल्ड्रन आर नियर यू। अब आपके अगर आगे पीछे कोई नॉटी चिल्ड्रन है तो आपको क्या करना है, वापस से अपने शेल में चले जाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो घर पे। नाउ हियर यू कैन सी टू टर्टल्स आर देयर, कलर बोथ द टर्टल्स। सो आई क्रॉल सो स्लो, ये जो पहला वाला टर्टल है बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना, इसको आपको कलर करना है। नेक्स्ट आई पुट इन माई हेड, दूसरा जो टर्टल है उसने, आप देखिए उसने अपना जो हेड है उसको अंदर ले लिया अपने हाउस के अंदर। ओके इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको कलर करना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, लेट्स रीड एंड राइट। सो हियर यू कैन सी ए बी सी डी ई एंड एफ लेटर्स है ना। तो इसको हमको क्या करना है, इसे हमें ट्रेस करना है इस तरह से। देखें ए बी सी डी ई एंड एफ, सो यू हैव टू ट्रेस दिस लेटर। आपको यहाँ पूरा आपको एक पेज दिया है, इसे अच्छे से आपको ट्रेस करना है। गॉट इट। सो हियर आवर पोयम इज ओवर एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोयम इज ऑल्सो ओवर। सो अगर आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Bye-bye.